क्रिकेट की दुनिया में आजकल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का नाम छाया हुआ है, लेकिन बाबर एक ऐसे विवाद में फंस चुके हैं जिससे आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और वे पाकिस्तान के हीरो की बजाय बन सकते हैं सबसे बड़े विलन। दरअसल खुद को बाबर आजम की कथित गर्लफ्रेंड बताने वाली हमीजा मुख्तार ने दावा किया है कि बाबर आजम ने उनसे शादी का वादा करके 10 साल तक उनका यौन उत्पीड़न किया है। आपको बता दें कि हमीजा इस मामले में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुकी हैं। प्रताड़ना का ये मामला फिलहाल लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान हमीजा ने हाथ में पाक कुरान लेकर बताया कि वो और बाबर आजम एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। बाबर ने उन्हें प्रपोज किया और उन्होंने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस वक्त बाबर ने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया था। दोनों के ही घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए 2011 में दोनों घर छोड़कर लाहौर भाग आए और साथ रहने लगे। हमीजा ने आगे कहा कि 2014 में बाबर नेशनल टीम में चुने गए और उसके बाद से उनका व्यवहार बदलने लगा। हमीजा ने बताया कि उस वक्त जब उन्होंने शादी के लिए बाबर से कहा तो उन्होंने मना कर दिया। हमीजा का कहना है कि घर से भागते वक्त वे शादी के लिए अपने घर से 2 लाख कैश और गहने लेकर भी आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर बाबर ने उनका लगातार यौन शोषण किया। इस दौरान वे बाबर के बच्चे की मां भी बनने वाली थी, लेकिन बाबर के दबाव में आकर उन्हें गर्भपात करवाना पड़ा। हमीजा ने पिछले दिनों ये भी दावा किया था कि बाबर के परिवार ने पूरा विवाद निपटाने के लिए उन्हें 20 लाख रुपए देने का ऑफर दिया था। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान मैच के बाद बाबर को मिली शोहरत के चलते हमीजा अचानक खबरों में आई हो। हमीजा ने 2020 में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबर आजम के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। हमीजा के इन सभी आरोपों से तो लगता है कि जिस रफ्तार के साथ बाबर आजम ने शोहरत हासिल की है, उसी रफ्तार से उन्हें कहीं मुंह की ना खानी पड़ जाए। आपको हमीजा के दावों में कितनी सच्चाई दिखती है, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।